नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रातः अम्बाला छावनी की शास्त्री कॉलोनी के शिव मंदिर में पहुंचकर मंदिर परिसर में साफ सफाई की और प्रभु का आशीर्वाद लिया। अनिल विज ने बीते दिन अम्बाला में आयोजित श्री राम यात्रा के दौरान लोगों से आह्वान किया था कि 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिदिन धर्म स्थलों में जाकर साफ सफाई करें, जिससे मन शुद्ध होगा। इसी उद्देश्य के साथ आज प्रातः मंदिर में पहुंचकर उन्होंने स्वयं इस कार्य की शुरुआत करते हुए साफ सफाई की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 22 जनवरी तक जिस दिन अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन तक सारे देश को अपने आप को तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी तक सारे देवालयों और मंदिरों में भी आयोजन किए जाएंगे, इसलिए 22 तारीख तक हमें रोजाना अपने देवालयों और मंदिरों को साफ करना चाहिए। इसके अलावा मन को शुद्ध रखने के लिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें और तामसिक एवं रासिक भोजन ना खाएं, क्योंकि यह उत्तेजना पैदा करता है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी तक अंदर और बाहर राममय वातावरण बन जाए, ताकि अच्छे माहौल में जो अनुष्ठान होने जा रहा है वह पूरा हो सके। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज आप शास्त्री कॉलोनी मंदिर में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख तक जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन तक सारे देश को अपने आप को तैयार करना, क्योंकि 22 तारीख को तो अयोध्या में होगी, लेकिन सारे देवालयों में सारे मंदिरों में भी आयोजन किए जाए। इसलिए 22 तारीख तक हम सबको मिलकर रोजाना अपने देवालयों को मंदिरों को साफ करना चाहिए। और इसके साथ मैंने ये भी कहा है कि मन को भी शुद्ध रखने के लिए सात्विक भोजन करें, मांस मदिरे का सेवन ना करें, तमोगुनी रजोगुनी चीजें मत खाएं, उनसे उत्तेजना पैदा होती है, ताकि अंदर बाहर से एक ऐसा वातावरण बन जाए, राममय वातावरण बन जाए, एक अच्छे माहौल में ये जो अनुष्ठान होने जा रहा है ये पूरा हो सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।